मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाए जाने वाला लोहड़ी त्योहार का स्वरूप आधुनिक युग के चलते बदल सा गया है। पहले इस त्योहार में अपनापन होता था, लेकिन अब मात्र दिखावा सा रह गया है। अब न बच्चों में इसको लेकर क्रेज है और न ही बड़ों में। यह सब हम नहीं बल्कि बिलासपुर के लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि त्योहारों का क्रेज अब लोगों के अंदर खत्म होता जा रहा है। जो प्रचलन लोहड़ी का पहले हुआ करता था, अब वह नहीं रहा है। जैसे पहले लोग प्यार मोहब्बत से घर जाकर लोगों को रेवड़ियां, भल्ले व मूंगफलियां आदि भेंट देकर त्योहार की मुबारकबाद देते थे, वहीं अब सोशल मीडिया का आधुनिक प्रचलन होने के कारण वो सब बंद सा हो गया है। अब लोग अपने घरों में टेलीविजन और फेसबुक में मशरूफ रहते हैं। अब बच्चे भी लोहड़ी मांगने से हिचकिचाने लगे हैं, जिसके लिए कहीं न कहीं बच्चों के हाथ में फोन आ जाना एक बहुत बड़ा कारण है। बदलते परिवेश में लोहड़ी पर्व का बदलता स्वरूप विषय को लेकर के चैनल के संवाददाता अभिषेक सोनी ने बिलासपुर में लोगों से खास बातचीत की। आज के और पहले के टाइम में बड़ा फर्क है। आज लोहड़ी का जो त्यौहार है, कुछ छुट्टियों के वजह से भी इसकी जो है सेल जो है कम हुई है, और इस त्यौहारों का जो क्रेज है, इसमें कुछ लगता है कि कुछ में फर्क पड़ता जा रहा है। आज और पहले में बहुत चेंजिंग आ चुकी है। पहले अपनापन होता था, आज ये एक दिखावा है बस। की लोहड़ी और पहले की लोहड़ी में दिन रात का फर्क आ चुका है। पहले जो लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता था, बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ घर घर दुकानों दुकानों में जाकर लोहड़ी गाकर और लोहड़ी मांगते थे, लेकिन आज के दिन में और आज के युग में ये क्रेज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आधुनिक युग में जो लोहड़ी का पहले चलन हुआ करता था, आज बिल्कुल बदल सा चुका है। और जैसे लोग पहले भल्ले कचौरियाँ लोगों में बांटते थे प्यार मोहब्बत से, आज वो समय बिल्कुल नहीं रहा। लोग अपने अपने घरों में टेलीविज़न और फेसबुक के आगे दुबके से रहते हैं, और मतलब ऐसे आपस में मिलनसार ही बिल्कुल नहीं रही। के चैनल के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।